अगर उन तक पहुंचे। बहुत आसान प्रश्न पुलिस है और उन्हें बड़ा सीधा उत्तर देना है। उन्हें उस महिला का नाम लेना है जिसने शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस स्वतः संज्ञान लेके, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके आरोपी को दंडित कर सकता है जिसको उसके पति ने न तो छोड़ा है न रख रहा है। वो शादीशुदा है लेकिन उसके पति ने उस पत्नी को रखने से अपने साथ इनकार कर दिया और उसको छोड़ा भी नहीं है। अगर आपने संन्यास ले लिया है तो तलाक ले लीजिए ना कोर्ट से जाके। आप कोर्ट से तलाक भी नहीं लेते तो उस पत्नी का ये अधिकार है कि अपने साथ आके रहे। आपने उसे छोड़ा क्यों है, उसे मानसिक प्रताड़ना क्यों दे रहे हैं? पुलिस को और कोर्ट को इसका स्वतः सके उस आरोपी को दंडित करने का प्रयास करना चाहिए जिसने अपनी पत्नी को न तो छोड़ा है न रखा है। अब दूसरे प्रश्न पे आता हूँ। जी एक बार स्कूटर वाला राजीव जी स्कूटर चला रहा था, पुलिस कांस्टेबल ने उसको, ट्रैफिक पुलिस ने रोका, उस कागज दिखाओ, उसने आरसी दिखाई, उसने सबको लाइसेंस दिखाया, सारे कागज, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सब दिखा दिया। तो उसने कहा कि साहब सारे कागज हैं, मुझे छोड़ दीजिए। उसने कहा नहीं, 500 का फाइन तो देना पड़ेगा, ये सारे कागज तुमने प्लास्टिक के थैली में रखे हैं, तो प्लास्टिक की थैली के रखने में तुम्हें मैं 500 रुपये का फाइन करता हूँ। ये स्थिति उस प्रकार की है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी विदेश में बोलते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है, राहुल गांधी में बोलते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है। अब तो मैं ये स्थिति की एक कल्पना कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी को कहा जाए बोलो और वो न बोले तो कहा जाएगा कि तुम बोले क्यों नहीं, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। अरे तो बेचारा कहाँ बोले, विदेश में वो बोल नहीं सकता, देश में वो बोल नहीं सकता, चुप वो रह नहीं सकता। उसने कौन सा अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है, उसने कौन से सात फेरे लगने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ा है? अरे आपने अपनी पत्नी को न केवल छोड़ा है बल्कि उस पत्नी को अपनी सास की अंतिम क्रिया में शामिल होने से रोका है। ये दंडात्मक कार्रवाई है, ये महिला उत्पीड़न का केस है, इसमें कोई शिकायत कराने की आवश्यकता नहीं है महिला की। ये तो स्वतः संज्ञान ले कोर्ट और करे। उत्तर प्रदेश की राजीव जी, एक कहावत है, जबरा मारे और रोने भी ना दे। अब वो स्थिति है, ये मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। लेकिन मुझे याद आता है, मुझे बड़ी खुशी हो रही, आप और सारे आपके जितने बैठे हैं वो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हमने भगत सिंह जी के बारे में और चंद्रशेखर आजाद के बारे में, रामप्रसाद बिलसिल बारे में सुना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में। और ये युवा लोगों की तो बात छोड़िए, मेरे जैसे वृद्ध की भुजाएं फड़कने लगती हैं जब ये फड़कने लगती हैं कि कितना जुल्म करोगे भाई, खुद तुम देश की बदनामी करते हो विदेश में जाके, और एक देश की प्रतिष्ठा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमफिल के स्टूडेंट देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, तुम कि देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हो। तो जैसे बुढ़ों का कर्तव्य है कि हम ये कहें कि चलिए भगत सिंह को नहीं देखा हमने, अशफाक उल्ला खां को नहीं देखा, रामप्रसाद बिस्मिल को नहीं देखा, लेकिन हाँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो के हुए कातिल में है। तो ये जो हो रहा है, ये दमन जो हो रहा है, और जिस प्रकार से आवाज को रोका जा रहा है, और जिस प्रकार से बच्चों को 4 साल में रिटायर किया जा रहा है, जिस प्रकार से किसानों को सताया जा रहा है, जिस जी सरकारों को एक जेल में रखकर बांध के भेजा जा रहा है, हम इसका मुकाबला करेंगे और हम सच के साथ रहेंगे। गांधी के हम सिपाही हैं, अहिंसात्मक रहेंगे और गांधी के रास्ते पे चलते हुए, जैसे राहुल के नाना ने अंग्रेजों से मुक्ति पाई थी, हम तानाशाही से मुक्ति पाएंगे। और इसमें ऐसा गुजरात का कोई लॉबी काम कर रही है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो पुलिस है बड़ी एफिशिएंट है, हिंदुस्तान की बहुत सक्षम है। अगर राहुल गांधी से पदयात्रा में कुछ लोगों ने कहा तो ये राहुल गांधी का कर्तव्य था कि पुलिस को जाके रिपोर्ट करते, इसके बावजूद कि जो पीड़िता थी उन्होंने कहा कि इसको पुलिस में मत रिपोर्ट कीजिए, लेकिन उनका कर्तव्य बनता था। लेकिन इस एफिशिएंट पुलिस से मैं दो तीन चीजें जानना चाहता हूं। पुलवामा में जो जीप घुस गई थी और हमारे वीर सैनिकों को जिसने मार दिया था, वो आरडीएक्स कहां से आया था, वो आरडीएक्स कौन लाया था, और जब कंटिंजेंट चल रही थी तो वो जीप वहां तक कैसे पहुंची थी, या ये पुलिस ने पता चला लिया, हमारी एफिशिएंट पुलिस ने पता चला लिया? ये पुलिस को और पता चला देना चाहिए था आज की तारीख में, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध किया है राहुल गांधी ने। किसी महिला ने जाके उनसे कहा कि मेरे साथ ये हुआ था और कहा कि इसको पुलिस में मत रिपोर्ट कीजिएगा, लेकिन पुलिस
उस पर पूछताछ कर रही है कि आपको मना करने के बावजूद आपने हमें क्यों नहीं बताया। आपको याद होगा संदीप सिंह के मंत्री होते हैं हरियाणा में, उनके खिलाफ एक महिला कोच ने शिकायत की थी और आज मंत्री जी विधानसभा के अंदर अभी रिजाइन नहीं किया है, और जब वो बोलने के लिए खड़े हुए और उसका विरोध हुआ तो कहा कि नहीं ऐसा कोई कानून नहीं है कि इनको बोलने से रोका जा सके। इसका मतलब यह है कि जो आरोपी लड़कियां खुद आरोप लगा रही हैं, जो खुद आरोप लगा रही हैं, जो आरोप लगाना चाहती हैं, अगर पहलवान आरोप लगाना चाहती हैं और संदीप सिंह के खिलाफ लगाना चाहती हैं, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगाना चाहती हैं, पुलिस वहां उतनी तत्परता नहीं दिखाएगी, लेकिन वहां तत्परता जरूर दिखाएगी जहां राहुल गांधी को पीड़िताओं ने कहा है कि हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी आबरू का सवाल है, इसको पुलिस में रिपोर्ट मत कीजिएगा। और पुलिस इतनी एफिशिएंट है, उसको ये पता चलाना चाहिए कि एक पटेल साहब जो ये हैं, ये वहां पे जेड प्लस सिक्योरिटी किसके अनुमोदन, किन्हें ने रिकमेंड किया था, कि होम मिनिस्टर में, होम मिनिस्ट्री में किसका लेटर था, किसके सिग्नेचर से इनको जेड प्लस सिक्योरिटी और देश की सुरक्षा और हमारी आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ किया। राहुल गांधी से आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने पूछताछ की, आप उनको अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि महिलाओं ने, अगर पीड़ित महिला आपसे कुछ कहती है, क्योंकि हम भी कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, बच्चे हमारे पास आके शिकायत करते थे और अपनी भावना को प्रकट करते थे और ये कहते थे सर आप पिता समान हैं, हम आपसे अपने परेशानियां शेयर करते हैं, लेकिन इसको कृपा करके अपने तक सीमित रखिएगा, इधर उधर मत बताइएगा। तो हमारा कर्तव्य था कि हम इधर उधर ना बताते, लेकिन पुलिस बड़ी एफिशिएंट है, तो पुलिस ये जरा पता चलाए 15 दिन के अंदर ये जो पटेल साहब हैं, ये जेड प्लस सिक्योरिटी लेके देश की सुरक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ कैसे किया, ये भी जरा पता चला दिया मॉरिशस जाके कि वो शेल कंपनीज हैं क्या, और ये क्या पैसे का रोटेशन हुआ, और क्या राजनीतिकों का अडानी के केस में लगा है, और अडानी मुखौटा है गुजराती बिजनेसमैन का नहीं है, गुजराती पॉलिटिशियंस का है, बहुत एफिशिएंट है, मुझे गर्व है इस पुलिस पर। जरा इन चीजों पे भी प्रकाश डाल लीजिए, राहुल गांधी को फांसी पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि किसी पीड़िता ने ये कहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, और जो खुशबू सुंदर ने कहा है, और जो ये यहाँ की दिल्ली की वो क्या नाम है उनका, स्वाति मालीवाल, जो स्वाति मालीवाल वो कहती है उनके पिता उनके उनके साथ बलात्कार किया था, उन्होंने तो खुद कहा है बलात्कार हुआ था, तो उनके पिताओं को चिताओं से निकाल कर, और अगर मुसलमान होते तो उनकी कब्रों से निकाल के और वो दंड देना था, वो तो महिला खुद शिकायत कर रही हैं। यहाँ तो राहुल गांधी से पीड़िताओं ने कहा है हमारी इज्जत आबरू का सवाल है, हमारे नाम को प्रकट मत कीजिएगा, लेकिन महिलाओं की आबरू आपको समझ में आएगी, महिलाओं की आबरू क्या होती है, आप उसको सारे बाजार नीलाम कर दीजिए, उन महिलाओं को बेइज्जत कर दीजिए, उनको बिल्कुल समाज के अंदर परिष्कृत कर दीजिए, उनको छोड़ दें, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि आप नारी सम्मान जानते नहीं, नारी की भावना को जानते नहीं, आपने नारियों का केवल अपमान किया है। राहुल गांधी को जो करना है कर लीजिए, लेकिन जो ये प्रश्न है, जो स्वाति मालीवाल कह रही हैं, जो खुशबू सुंदर कह रही हैं, और जो ये महिला कोच कह रही हैं और पहलवान कह रही हैं, उस पे अभी तक आपने क्या कार्रवाई की, कितनी बार ब्रजभूषण सिंह और संदीप सिंह की आपने पुलिस रेड की और 50 पुलिस अफसरों ने उनसे पूछताछ की, पटेल साहब के बारे में बताइए, देवेंद्र सिंह को अरेस्ट कीजिए और बताइए देवेंद्र सिंह जो डिप्टी एसपी था वो कहां है, क्यों नहीं उसको दंड मिला, क्यों नहीं जांच हुई, आरडीएस कहां से आया, और हमारे लोगों का बलिदान कैसे हुआ, राहुल गांधी के साथ जो करना कीजिए, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।